अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल हैं आप सबके। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। मैं हूँ आयशा कामरान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज था सेकंड रोज़ा रमज़ान मुबारक का। तो आज इतना मुबारक दिन है तो मैंने तो सोचा कि सहरी से ही अपना स्टार्ट लिया जाए और व्लॉग बनाना स्टार्ट कर दिया जाए। जल्दी से मैंने सहरी बनाना स्टार्ट कर दी और जल्दी से पराठे सबसे पहले मैंने बनाए, जो कि सबसे बड़ा काम होता है सहरी का। तो यहाँ पर जो है हम बना रहे हैं तय वाले पराठे, मींस स्क्वायर वाले पराठे जो होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होते हैं और अच्छे ही बनते हैं। मैं तो बड़ी फ़ैन हूँ अपने इन पराठों की। तो जनाब, फिर यहाँ पर हम बना रहे थे पराठे और पराठे जो जिस तरह बन रहे हैं वो मैं आप लोगों को साथ साथ दिखाती रहूँगी। और बेसिकली रमज़ान की रूटीन सेम होती है और ज़्यादा इतना कोई ख़ास नहीं होता, वही नॉर्मली चीज़ बन रही होती हैं, पकोड़े, दही बड़े और ये सब चीज़ें। तो इस वजह से मैंने कुछ दिनों में अपलोड नहीं किया व्लॉग, और तो मैंने सोचा कि अब थोड़ा सा मैं सहरी से ही स्टार्टिंग ले लेती हूँ, क्योंकि मैं मोस्टली अफ्तार से स्टार्ट लेती थी। तो मैंने सोचा कि अब चलें सहरी की आपके साथ साथ ही साथ रूटीन शेयर करूँ। और इस तरह के पराठे बन रहे हैं। रमज़ानों में एक्चुअली ये होता क्या है कि एक तो नींद नहीं आती, और अगर नींद आ भी जाए तो फिर आँख नहीं खुलती। तो हमारी तो सहरी की यही रूटीन है कि हम पूरी रात जागते रहते हैं, और सलमान भी जैसे लेट ही सोता है तो इस वजह से फिर जागते ही रहना पड़ता है। तो फिर जैसे ही सहरी का टाइम होता है, लाइक 3 से 3:30 होते हैं, तो हमारी सहरी रेडी हो जाती है। उस वक्त फारिग हो जाते हैं सारे सहरी करके, और फिर उसके बाद तस्बीह या कुरान शरीफ पढ़ लेते हैं। तो फ़िलहाल तो हम लोग पराठे वगैरह बनाने में सबसे पहले ही स्टार्टिंग कर देते हैं, क्योंकि पराठे वगैरह जो है काफ़ी देर में बनते हैं, क्योंकि फ्लेम भी इतनी हल्की आ रही होती है हमारे एरिया में। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है ठीक आती है, कभी कभार स्लो भी आती है। और बेसिकली हम लोग जो रहते हैं वो जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो इस वजह से फिर फ्लेम की थोड़ी सी शॉर्टेज हो जाती है। और फिर उसके बाद जो है ना, सारे जितने जब पराठे वगैरह रेडी हो जाते हैं तो फिर तो अपने अकॉर्डिंग फिर हम घर वाले लेते जाते हैं, जिसको फैनी वगैरह से खाना होता है फैनी के साथ खा लेते हैं, जिसको सालन वगैरह से खाना होता है सालन से खा लेते हैं, और जिसको चाय से खाना होता है वो चाय से खा लेते हैं। तो अब देख लें यहाँ पर माशाल्लाह अच्छी तरीके से पराठे वगैरह रेडी हो रहे हैं। और अच्छा, ये जो रोटी बन रही है वो हमारी अम्मी के लिए बन रही है, क्योंकि अम्मी जो है पराठा नहीं खाती, उनको थोड़ा सा हैवी लगता है, तो इस वजह से फिर इस तरह की अम्मी रोटी बना लेती हैं। इसके अंदर घी वगैरह लेयर करके और ऊपर से जो नॉर्मली सेक लेती हैं रोटी की तरह। और अब यहाँ पर हमारे शामी कबाब जो है हमारे पास ऑलरेडी बने हुए थे, और इनको जो है हम हाफ़ फ्राई करके उसको रख दिया करते हैं हम। और इसमें जो है अंडा वगैरह भी जो है ना लेयर करके आराम से उसको सेक कर रख देते हैं। फिर क्या होता है कि इसमें से ना थोड़ी सी स्मेल आने लग जाती है, इस वजह से हमारी अम्मी जो है हमेशा इसको फ्राई करके ही रखवाती हैं डीप फ्रीज़र के अंदर। और फिर उसके बाद जब हमें खाना होता है तो उसको नॉर्मली हम डिफ्रोस्ट करके उसको फ्राई कर लेते हैं।
उस तरह से ज़्यादा वो ऑयल भी नहीं लगता, ज़्यादा उसमें ऑयल भी नहीं जाता और इतना हैवी नहीं होते ये, तो ये आराम से खा लिए जाते हैं और ना ख़राब होने का इसमें अंदेशा होता है। तो यहाँ पर जो है मैं पहले से डीप फ्रोज करके मैंने यहाँ पर कबाब रख दिए थे, शामी कबाब रख दिए थे, उनको मैं फ्राई कर रही हूँ। और यहाँ पर हमारी चटनी लेफ्ट ओवर थी क्योंकि हमने कबाब जो है रात में भी खाए थे और वही वाले कबाब जिसने नहीं खाए थे वो लोग खा रहे थे, तो ये जो है रात वाली चटनी जो है बची हुई थी वो हमने निकाल के रख ली थी। और अब हम जा रहे हैं फैनी की तैयारी करने। फैनी मुझे बहुत पसंद है, मुझे खजला इतना पसंद नहीं है, हमारे यहाँ सिर्फ फैनी आती है और खजला भी आता है, खजला अम्मी के लिए आता है, अम्मी को खजला बहुत पसंद है, तो इस वजह से फिर फैनी मैं और मेरे पापा वगैरह खाते हैं और सलमान को बिल्कुल भी पसंद नहीं है। सलमान को मैंने इतनी कोशिश की है फैनी वगैरह खिलाने की, सुबह में जो मैंने उसके लिए रख दी थी सहरी में बनाकर, लेकिन सुबह में जब मैंने ट्राई किया तो बिल्कुल भी नहीं खाया सलमान। अच्छा, मैंने देखा है कि जब सलमान को मैं अगर मीठा खिलाने की कोशिश करती हूँ ना तो वो बिल्कुल भी नहीं खाता, मीठा खाने के बिल्कुल भी शौक़ नहीं है इसको। मुझे है बहुत शौक़ है मीठा खाने का, मुझे जितना भी मीठा खिला लिया जाए मैं खा लूँगी, लेकिन सलमान इस बारे में ना मेरे पर नहीं गया। और जनाब यहाँ पर कबाब भी रेडी हैं, फैनियाँ भी जो है हमने उसको भिगो कर रख दी हैं और यहाँ पर ये सिक भी चुके हैं, तो आप लोग देख रहे होंगे ये अच्छे अच्छे से ये सिक गए हैं। और यहाँ पर पराठे भी जो है रेडी हैं, और पराठे जो है एक्चुअली हम जो है ना चक्की के आटे के बनाते हैं। लास्ट रमज़ान क्या हुआ था, हम लोगों ने वाइट आटा जो अशरफी का आटा होता है ना उससे बनाए थे, इतने अच्छे बनते हैं वो उसके पराठे। और अभी क्या है कि सहरी वगैरह से हम लोग फ्री हो चुके हैं, मैंने टीथ ब्रश कर लिए हैं और ये वाला क्लेंज़र जो है ना मैं आजकल यूज़ कर रही हूँ, क्लेंज़र प्लस फेस वॉश है ये, बेसिकली ये मुझे डर्मेटोलॉजिस्ट ने रिकमेंड किया था और मेरे ख्याल से ये तो बहुत अच्छा, मेरे लिहाज से तो बहुत अच्छा है ये। और अब जो यहाँ पर सुबह हो चुकी है और सुबह होने के बाद मैं सबसे पहले सलमान का दलिया तैयार करती हूँ, दलिया या फिर सेरेलेक वगैरह जो भी देना होता है वो मैं तैयार करती हूँ, क्योंकि सलमान जब तक मैं नाश्ता नहीं करती ना तो वो नहीं करता, और फिर मैं बहुत कोशिश करने के बाद नाश्ता भी करवा देती हूँ, बहुत ही मुश्किल से करता है, तो फिर उसके बाद जब तक नाश्ता करता है तो मैं जब तक दलिया वगैरह बना देती हूँ। और दलिया में क्या डालती हूँ कि दो दालें होती हैं, एक मसूर की दाल और एक मूँग की दाल होती है, तो उसको मैं कर लेती हूँ और उसमें दलिया डाल देती हूँ और उसके अंदर मैं चिकन पाउडर ऐड कर देती हूँ। इसकी रेसिपी मैं आपको बता चुकी हूँ, इतने मज़े से माशाल्लाह खा लेता है ये, और अगर चिकन का पीस होता है तो चिकन का डाल लेती हूँ, लेकिन यहाँ पर मेरे पास कबाब थोड़ा सा लेफ़्ट ओवर रह गया था तो वो मैंने फ्रीज कर दिया था, फिर उसके बाद सुबह में सलमान के दलिये में डाल दिया था और वो अच्छी तरीके से मैश कर लिया था। और उसके ऊपर जो ये बघार डलता है ना, बहुत मामूली से मैं उसके अंदर ऑयल डालती हूँ और प्याज को मैं कैरमलाइज कर लेती हूँ। अच्छा, तो फिर उसके बाद हम आ गए हैं अफ्तारी की तरफ, और अफ्तारी में जो है हमने ये तरकारी बनाई थी, तरकारी और आलू छोले का जो सालन होता है वो बहुत ही ज़बरदस्त बना था। इसमें अम्मी ने क्या किया था कि थोड़ा सा ऑयल लिया था और उसके अंदर ज़ीरा, गार्लिक और कुटी हुई मिर्चें, हल्दी, ये सब डाल के भून लिया था, और भूनने के बाद अच्छी तरीके से भूनने के बाद लाइक उसमें से जो ना स्मेल आने लग जाए, फिर भूनने के बाद इसके अंदर उन्होंने बॉयल पोटैटोज डाल दिए थे और बॉयल जो चिकपीज होते हैं वो डाल दिए थे, उसको डालने के बाद अच्छी तरीके से इसको और घोट लिया था, तो वो बड़ा सा अच्छा सा उसका ना वो फ्लेवर और स्मेल आने लग गई थी। उसके ऊपर कलौंजी भी इन्होंने ऐड की। और यहाँ पर हमारे दो किस्म के रूह अफ़ज़ा तैयार हैं, यहाँ पर एक मिल्क वाला रूह अफ़ज़ा होता है और एक सिंपल वाला रूह अफ़ज़ा होता है, जिसको जो दिल चाहता है वो खा लेता है।
और जो तरकारी बनाई थी हम लोगों ने उसके साथ जो है हम यहाँ पर कचौरी वगैरह फ्राई कर रहे हैं। ये वाला जो अटेम्प्ट था वो मैंने फ्राई किया था, जो बिल्कुल भी नहीं फूली थी, लेकिन आगे जो देखेंगे ना वो अम्मी ने बनाई थी वो फूली थी। एक्चुअली मुझे पता नहीं चला था कि किस तरह फ्राई करना है और किस तरह फूलेंगी, मैं बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हो रही थी ये बनेंगी किस तरह। लेकिन फिर अम्मी ने बताया कि उसके ऊपर ऑयल जब हम इसको डालते रहेंगे अच्छी तरीके से, इसको स्प्रिंकल करते रहेंगे इसके ऊपर ऑयल, तो ये अपने आप ही भूलेंगी। और ये देख रहे होंगे आप जल्दी जल्दी इसके ऊपर ऑयल अम्मी ही डाल रही हैं, और अब देखिएगा ये किस तरह इतनी ज़बरदस्त तरीके से फूलेगी। अच्छा, ये वाली कचौरियाँ ना हम लोग लेकर आए थे शॉपिंग करने, हम लोग आई थिंक गए थे, तो वहाँ से हम लोगों ने ना बनी बनाई ले ली थी। और ठेलों पे अक्सर जो बगैर बनी बनी मिलती हैं ना, बनी बनाई मिलती हैं, तो वो वाली हमने ले ली थी। जस्ट उसको फ्रीज़ कर दिया था, और फ्रीज़ करने के बाद फिर हमने इसको डिफ्रोस्ट करके इसको फ्राई कर लिया है। और बहुत ही इजी रहता है ये तरीका, आई थिंक हम लोग जब घर पे बनाते हैं तो वो तो खैर मुझसे तो अच्छी कभी नहीं बनी है, तो मैं यही करती हूँ और हम लोग एक्चुअली यही करते हैं कि जब हम लोग शॉपिंग वगैरह के लिए जाते हैं तो वो जो वो कचौरियाँ होती हैं ना बनी बनाई जो साइड में रखी हुई होती हैं वो ले लेते हैं और उसको आकर फ्रीज़ कर देते हैं, और जब बनानी होती है ईज़िली उसको डिफ्रोस्ट करके बना लिया करते हैं। तो आज हमारा कचौरी बनाने का प्लान था, और मैं सोच रही थी कि कचौरी के साथ अधूरा अधूरापन लग रहा है, तो इस वजह से फिर मैंने अम्मी से तरकारी बनवाई थी। और ये वाली तरकारी इतने मज़े की बनती है, और पहले भी अम्मी बना चुकी हैं। जब ये बन रही होती है ना तरकारी, तो उसमें इतनी खुशबू आ रही होती है, लाइक मेरा रोज़ा था और मैं अम्मी से बोले जा रही थी अम्मी रोज़ा कब खुलेगा, और इतना दिल चाह रहा था खाने का उस वक्त, तो इतनी अच्छी स्मेल भी आ रही होती है ना, तो बड़ा अच्छा अच्छा सा टेस्ट भी आता है सुंदर सुंदर सा। तो आप लोग भी घर में ट्राई करिएगा अपनी। और अब जो है हमने इसको टिश्यू पेपर के ऊपर रख दिया है ताकि जितना भी एक्स्ट्रा ऑयल है वो निकल जाए। और अब ये देख रहे होंगे आप लोग कितनी अच्छी अच्छी माशाल्लाह ये से ये फूली हैं, जो ये फूली है ना वो अम्मी ने बनाई है, और जो नहीं फूली है वो मैंने बनाई है। और अब हमारे यहाँ पर रोल जो हमने फ्रीज करके रखे हुए थे वो जस्ट फ्राई हो रहे हैं। चीज़ वाले रोल मैंने अलहदा रख दिए थे, और जो वैसे नॉर्मल वाले होते हैं वो मैंने अलहदा रख दिए थे। उसमें से मैंने आधे चीज़ वाले इसमें फ्राई कर लिए थे और आधे जो नॉर्मल वाले थे, क्योंकि किसी को चीज़ पसंद नहीं होती, तो इस वजह से हमने दो किस्म के रोल बनाए थे। अब हमारी माशाल्लाह यहाँ पर इफ्तारी रेडी है। और फ्रूट चाट भी बिल्कुल रेडी थी। फ्रूट चाट की कटिंग वगैरह और जितनी भी चीज़ें थी वो मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाई दी थी, तो इस वजह से फिर मैंने कटिंग वगैरह शेयर नहीं की। और यहाँ पर दस्तखान लग चुका है, नाउ इट्स टाइम टू ओपन द फास्ट। और ये मेरी प्याली है, और ये जो बराबर में है वो सलमान की प्याली है, सलमान पहले ही खा चुका है। सो गाइस, दैट इज़ द एंड ऑफ माई व्लॉग। आई होप यू विल एंजॉय दिस व्लॉग, एंड गिव मी अ थम्स अप इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। एंड दिस वॉज द रूटीन ऑफ माई सहरी एंड अफ्तार। आई विल कम इन टू द नेक्स्ट वीडियो।